हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टूडे डॉट कॉम। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, वो है रिवर्स मॉर्गेज। पहले मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स मॉर्गेज है क्या। जो सीनियर सिटीजन है हमारी कंट्री में, 60 प्लस लोग हैं जो जिनके पास घर है लेकिन उनकी या तो कोई औलाद नहीं है या उनके बच्चे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते या उनके पास पैसे नहीं है जीने के लिए लेकिन उनके पास घर है और उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, अगर पेंशन मिलती है तो सफिशिएंट नहीं है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, उनके पास पैसे नहीं है जीने के लिए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि ये जो सीनियर सिटीजन है वो अपने घर में रहना भी चाहते हैं। देखिए, जो बंदा 60 साल का है अगर वो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है इंडिया में वो 66-67 ईयर्स के तकरीबन है, अगर ये जो 60 साल का बंदा है ये कहता है कि मेरी अगर आज की डेट में मुझे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाला नहीं है तो मैं इस घर का ही कुछ पार्ट बेच के मैं यहाँ रहूँ भी और अगले 15 साल तक मुझे कुछ पैसे मिलते रहें, और अगर कल को मेरा कोई लीगल हायर निकल के आ जाता है जिसने मुझे आज तक देखा नहीं, मुझे फाइनेंशियल असिस्ट नहीं करा, मेरा कोई चाचा भतीजा कुछ ऐसा आ गया है, तो उसको फालतू में फ्री के पैसे ना मिले। उसने जो 15-20 साल जो लोन लिया है मतलब एक तरह का बैंक से, वो वापस दे बैंक को। सो सिंपल एक इसका फंडा उठाते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज का मतलब ये है, मान लीजिए किसी पहली बात तो एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी तो ये है, पहली तो ये बन जाती है कि ये जो सीनियर सिटीजन है इसकी एज जो है ये 60 प्लस होनी चाहिए, एज शुड बी 60 इयर्स प्लस, 60 साल से कम के नहीं चलेंगे, 60 इयर्स के होने चाहिए। और इन केस अगर मैरिड कपल्स हैं, अगर तो ये लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, जॉइंट लोन ले रहे हैं, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो एटलीस्ट एक जो वो है, एक जो बंदा है या वेदर हस्बैंड और वाइफ, वो 60 प्लस होना चाहिए और जो दूसरा है वो कम से कम 55 प्लस होना चाहिए, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी बनती है। और तीसरा जो मेन जो क्राइटेरिया है, जो घर है, जो हाउस, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी पे कोई भी केस ना चल रहा हो, अगर इसने इनहेरिट करी है तो इसका अपने जो सीनियर सिटीजन, इसका अपने भाइयों के साथ या किसी के भी साथ कोई केस ना चल रहा हो, इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर हो, इस पर ऑलरेडी कोई इसने लोन ना लिया हो, इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि बाद में बैंक को प्रॉब्लम ना हो, तो ये इसका पहला पॉइंट चलता है। इसके बाद क्या था कि प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, यहां तक तो ठीक है, ये हो गया भाई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि किस किस को लोन मिलेगा, मतलब 60 प्लस होना चाहिए, मैरिड कपल्स है तो 60 प्लस, एक बंदा 60 चाहिए, प्रॉपर्टी का टाइटल बिल्कुल क्लियर चाहिए, ये तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सेकंड पॉइंट, लोन का पर्पस क्या होगा, जो लोन बंदा ले रहा है यहाँ पे उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस, बैंक से कभी भी आप लोन लेते हैं, चाहे पर्सनल ले चाहे बिजनेस ले, तो बैंक को बताना पड़ता है कि भाई मेरे लोन का ये पर्पस है, मैं इसलिए लोन ले रहा हूँ, मुझे मतलब मैं कोई जुआ खेलने के लिए लोन नहीं ले रहा। तो सीनियर सिटीजन है, कुछ भी कर सकते हैं पैसों का, तो पहले बैंक वाले पर्पस पूछेंगे। अलग अलग बैंक हैं, ये आरबीआई का प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि लोन का पर्पस पूछना, लेकिन हर एक बैंक, जैसे कि अभी मेरे पास मेरे सामने डॉक्यूमेंट जो पड़ा है, ये आईडीबीआई बैंक का मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पड़ा है, तो मैं आईडीबीआई का एक डॉक्यूमेंट से आपको बात उठा के बताता हूँ कि ये जो आप लोन ले रहे हो ये तो जो आपका घर ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, या तो इसको आप अपग्रेड करवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं, रेनोवेशन के आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर की बहुत बुरी हालत है,
अब इसको रेनोवेशन करवा रहे हैं, अब जिस घर में रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का आप रेनोवेट कर रेनोवेशन करवा रहे हैं, या अपने घर को मेंटेन कर रहे हैं, या उसकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, या मेंटेनेंस माँ कह लीजिए या इंश्योरेंस कह लीजिए उसी घर की, या इंश्योरेंस। उसके बाद आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या फैमिली इमरजेंसी होगी, या मेडिकल आपको मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कुछ आपके क्या कहते हैं पेंशन जो है रेगुलर इनकम आपको चाहिए, आपको आपकी जो पेंशन इनकम है वो आपको कम पड़ रही है, बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आपकी पेंशन इनकम कितनी है, 3,000 है जी, 4,000 है, तो लेकिन मुझे 20,000 चाहिए जीने के लिए, मेरी सैलरी 20,000 हुआ करती थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस हुआ करता था, मेरे पास बिजनेस अच्छा नहीं है, तो मुझे इतने पैसे रेगुलर चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए बैंक वाले लोन दे देंगे, लेकिन कुछ एक हालात हैं जिसमें बैंक वाले नॉर्मली लोन नहीं देते। वो कौन से एक्सेप्शंस क्या हैं जिसमें बैंक जो है आपका लोन जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है? एक्सेप्शन पहली तो ये आ जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है, अगर आप इन पैसों से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऐसा खर्चा जिससे कि वो पैसे खराब हो सकते हैं, कुछ स्पेकुलेशन करनी है, मतलब कुछ भी ऐसा एक्सपेंस जिससे पैसे खराब हो सकते हैं, स्पेकुलेशन, जैसे लोग कमोडिटी पे स्पेकुलेट करते हैं, शेयर्स में स्पेकुलेट करते हैं, आजकल लैंड पे भी स्पेकुलेट करने लग गए हैं, तो इन चीजों पे आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमने कर लिया है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है रिवर्स मॉर्गेज लोन। पहली बात तो होता क्या है, ये हो गया था कि मान लीजिए 1 करोड़ का आपका घर है, आप दो या एक व्हाटएवर लोग रह रहे हैं उसमें, एंड उनके पास पैसे नहीं है जीने के लिए, उन्हें पैसे चाहिए, तो वो क्या है उसका एक इक्विटी है वो उसको बैंक के पास रख देते हैं, मतलब वो उस घर में रहते रहेंगे। इसमें एक ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि लोन का अमाउंट कितना होगा। लोन का अमाउंट एक्चुअली डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, पहली बात तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी बात हो जाती है एज कितना है, एज ऑफ द बोरोअर का एज कितना है, जो लोन ले रहा है उसका एज कितना है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, एज कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। और एक चीज ध्यान देने वाली है, इंटरेस्ट रेट जो है यहां पे फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का लोन है, डिस्काउंट करके देते हैं, इसको मैं एंड में समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, एज ऑफ द बोरोअर कितना है, अगर मान लीजिए 60 के ऊपर वाले एलिजिबल हैं, कोई 70 साल का जो बोरोअर है उसकी एज जो है 70 साल है, तो चलिए बोलने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये 70 साल का आदमी और कितने साल जी सकता है अकॉर्डिंग टू बैंक, हो सकता है ये तो ऑलरेडी मतलब इसका हो सकता है कि यह 4-5 साल और जी ले, 10 साल और जी ले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यही है कि इसको बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे, इसका लोन का अमाउंट बहुत कम रहेगा। तो बैंक चाहेगा कि अगर 1 करोड़ का मॉर्गेज इसने रखा है तो बैंक सोच के बैठा है कि यार 5-6 साल ये बंदे को हमें पैसे देने हैं, लोन इसका रहेगा। तो जैसे एक आपको कॉमन सेंस की बात है, अगर मॉर्गेज वैल्यू 1 करोड़ है तो लोन की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। यही अगर एक 60 साल का बंदा होता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 10-12 साल भी और जी सकता था, 15 साल भी और जी सकता था। तो जितना एज ज़्यादा होगा प्रॉपर्टी की वैल्यू का, उस मतलब ज़्यादा लोन जो है वो दिया जाएगा। हर एक बैंक का एक अपना अपना क्या कह लीजिए कि
एक लिमिट रखा हुआ है, जैसे आईडी पे का, जैसे मैंने आपको बताया कि लोन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इन्होंने अपना एक लगाया हुआ है कि भाई हम 2 करोड़ तक का, 2 CR तक का हम जो है लोन दे सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, 2 करोड़ का हम देंगे जी मैक्सिमम, ये इनका मैक्स लिमिट है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग लिमिट है, RBI ने कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ है कि किसको कितना लोन दे सकते हैं, लेकिन IDBI वालों ने बोला है कि 2 करोड़ तक हम देंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि मैक्सिमम जो लोन टेन्योर कितना होगा, लोन का टेन्योर कितना होगा मैक्स। RBI ने ऐसा कुछ इसके बारे में नहीं दिया हुआ है भी मैक्स कितना होगा भाई, बट RBI की साइट पे मैंने चेक करा है, उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक का एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे 15 साल का मैक्सिमम टेन्योर है। मेरे पास IDBI का भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, इस पे अकॉर्डिंग टू दिस 20 साल का हो सकता है, मतलब बैंक टू बैंक डिफर करता है, और 20 साल का यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो लोन टेन्योर है 20 साल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लोन जो है वो मिलता कैसे है, मतलब जैसे आप कोई भी कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, उसमें तो क्या होता है कि आपको इंस्टेंटली पैसे चाहिए, कार लेनी है 5 लाख रुपए चाहिए, पे करने हैं 6 लाख चाहिए, तो आप बैंक से 6 लाख लेते हैं और धीरे धीरे 1000 रुपये, 1500 रुपये, मतलब ये तो कम बोल रहा हूँ, 10 हज़ार, 15 हज़ार जो है वापस करते जा रहे हैं बैंक को, ऐसे ऐसे करके आप पूरा 6 साल, 7 साल, 10 साल में पैसे वापस कर लेते हैं। लेकिन रिवर्स मॉर्टगेज के केस में कैसे होता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपने पहला चीज ये है कि आपने लंपसम में पेमेंट ले लिया, लंपसम में पैसे ले लिए बैंक बैंक से, लंपसम मतलब आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने बोल दिया कि मुझे जी 40 लाख दे। वैसे 60% RBI ने ये गाइडलाइन जरूर दी है कि 60% तक लोन दीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू का 60%। तो लंपसम के हिसाब से अगर उन्होंने सोच लिया कि कितना लोन लेना है, इन्होंने बोल दिया कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और मुझे 50 लाख ऑन द स्पॉट दे दीजिए जीने के लिए। नॉर्मली बैंक देते नहीं लमसम। एक होता है मंथली पेमेंट्स, जैसे बैंक जो है आपको 16 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी आपकी वैल्यूएशन बनती है, 20 हज़ार या 30 हज़ार, वॉट एवर, ये आपको पर मंथ देगा कि जो भी खर्चे हैं इससे चलाइए, ये आपको मंथली पेमेंट बनेगी। जैसे मतलब लोन को उल्टा चला लीजिए भी, हर महीने बैंक आपको पैसे देते जा रहा है, देते जा रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम टेन्योर मैंने आपको बता दिया 20 साल, 20 साल तक मान लीजिए बैंक 20-20 हज़ार रुपये देते जाएगा, देते जाएगा, तो एंड में वो इकट्ठा हो जाएगा और 20 साल तक का मैक्सिमम ये देते हैं। तो लोन का रीपेमेंट कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया आता है कि लोन का रीपेमेंट कैसे होगा। बैंक से लोन लिया है, चाहे 60 साल के हैं, चाहे 62 के हैं, वापस तो करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक फ्री में तो पैसे किसी को नहीं बांटता। रीपेमेंट कैसे होगा लोन, पहली बात, पहला मेन पॉइंट सरकार ने ये निकाला था 2008-09 में कि अभी 75-80 साल के बंदे से अगर उसका डेथ नहीं हुआ है तो उससे तो पैसे वापस नहीं लेंगे कभी भी, मतलब उससे एक्सपेक्ट ही कर सकते, रेगुलर इनकम ही नहीं है। आप कभी लोन लेते हैं, बैंक आपसे इतने सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि बैंक चाहता है कि यार इस बंदे की इतनी हैसियत हो कि हमें हमारे पैसे वापस मिले ब्याज के साथ। तो यहां पे ये पॉइंट आ जाता है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग मनी होता है वो सीनियर सिटीजन को वापस नहीं करना है। मान लीजिए लोन का टेन्योर 20 साल खत्म हो गया, इसने बंदे ने लिया था 2010 में लोन 60 साल की उम्र में, और 2030 तक ये जिंदा है, मतलब अगर दो बंदे हैं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड 60 का था, वाइफ 55 की थी, वाइफ 75 साल की उम्र तक, अगर इसकी 75 है, इसकी बंदे की 80 साल की उम्र है, ये अभी तक जिंदा है भी, बैंक इसके पास नहीं जाएगा कि भाई हमारे पैसे वापस करो, आपको हमने 40 लाख रुपए दिए हैं, हमारे पैसे वापस करो, बैंक कभी नहीं जाएगा। इसका क्या होगा कि पैसे तब लिए जाएंगे जब, अगर मान लीजिए कंडीशंस देखते हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि डेथ हो जाती है, अगर अगर तो डेथ हो जाती है फिर तो दो इसके पॉइंट निकल के आते हैं, या तो कोई इसका लीगल हायर आ जाएगा कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है जी, इसका कोई सन, डॉटर या वॉट एवर लीगल हायर आ जाता है भी ये मेरी प्रॉपर्टी है जी,
तो फिर तो बैंक इसको क्या बोलेगा भाई, ऐसे है कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1 करोड़ है और आपके पिताजी ने हमसे 50 लाख लिए हुए हैं और इसका इंटरेस्ट डाल के जो भी है 70 लाख बनता है। आप हमारे ये पैसे वापस कर दीजिए और ये घर आपका है। चाहे तो इसका मंथली पेमेंट करिए, अगर मंथली नहीं कर सकते तो क्वार्टरली कीजिए, हाफ ईयरली कीजिए, एनुअल कीजिए, ये आपका हेडक है, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो ये हो जाता है अगर इसकी बंदे की डेथ होती है। तो दूसरा पॉइंट, अगर डेथ नहीं होती है, इफ द पर्सन इज स्टिल सर्वाइविंग, तो फिर क्या है, मतलब सीनियर सिटीजन से कभी पैसे वापस नहीं मांगेंगे। बट इन केस ये बंदा कुछ सेल करना चाहता है, ये कहता है कि मुझे सेल करना है, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, सीनियर सिटीजन खुद आके कहता है कि मुझे भाई प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे मॉर्गेज नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको 50 लाख देने हैं, तो मुझे आपको आपकी ये लोन मुझे बंद कराना है। तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लमसम पेमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आ जाता है, जैसे बैंक्स के डॉक्यूमेंट मेरे सामने पड़े हैं, बैंक्स ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि अगर आप लमसम पेमेंट करना चाहते हैं तो भाई 50% तक कर सकते हैं टोटल अमाउंट का। अगर आपने 1 करोड़ का लोन, मतलब 50 लाख का लोन लेकर रखा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, और आपके ब्याज डाल के 70 लाख बनते हैं, तो भाई आप मैक्सिमम, ऊपर से मैक्सिमम कैप भी लगा के रखा है, 15 लाख लमसम दे सकते हैं। और जो एनुअल पेमेंट है, मंथली पेमेंट है, उस पर भी कैप लगाया हुआ है जी 50,000 का। सो ये तो IDBI का मैक्सिमम कैप है, RBI का कोई गाइडलाइन नहीं है इस पर, हर बैंक का अलग होगा, तो ये चीज़ अलग होगी जी। अगर तो या तो वो सेल करना चाहता है प्रॉपर्टी, या उसकी डेथ हो गई है, या वो मूव आउट करना चाहता है प्रॉपर्टी से, भी वो कहता है कि मुझे जी, जो सीनियर सिटीजन है वो कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा जी यहाँ पे रह के, मुझे ओल्ड एज होम में जाके रहना है, या मुझे अपने किसी रिलेटिव के पास जाके रहना है, और मैं ये प्रॉपर्टी मतलब लोन उतारना चाहता हूँ, या वॉट एवर, ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस ही हो जाता है। तो इन दो केसेस में ये जो है बैंक इससे जो है इसका सीनियर सिटीजन से पैसे वापस ले सकता है, लेकिन बैंक अभी फोर्स नहीं करेगा सीनियर सिटीजन को कि भाई आप अपना लोन उतारो, आप पैसे हमें EMI दो, मंथली क्वार्टरली या एनुअली हमें पैसे दो, बैंक ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इन केस ऑफ डेथ उसके लीगल हायर से पैसे वसूले जाएंगे, अगर बाई चांस अगर सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं, उन्होंने नहीं उनको पैसे दिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी, बट उन्होंने रिवर्स मॉर्गेज लोन ले लिया, बहुत अच्छा मतलब मेरे हिसाब से करा गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देते, लेकिन मोस्टली इंडिया में सीन ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों के पास अपने घर होते हैं, तो वो उन घरों पे अपना एक लोन ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। तो रीपेमेंट भी हो गया, एलिजिबिलिटी सारा कुछ हो चुका है आई थिंक। इसके बाद कुछ एक रहता है तो मैं आपको बताता हूँ, रीपेमेंट भी नहीं होता है। और ATC पे, ATC जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, जो एग्जेम्पशन है 1.5 लाख की, उसके अंदर इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। वैसे तो ये एग्जेम्पशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, बंदा ऑलरेडी बैंक से मतलब मॉर्गेज लेके अपना घर मॉर्गेज करके सरवाइव कर रहा है, तो इनकम इसका इससे ज़्यादा होने का चांस कम ही है, लेकिन एग्जेम्प्ट है। ये प्योर फिक्स्ड लोन है, इस पे इंटरेस्ट पहले, इसका जो इंटरेस्ट है नॉर्मल लोन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, प्योर फिक्स्ड है। अगर 15% बोल के रखा हुआ है बैंक ने, तो 15 ही रहेगा। मंथली पेमेंट भी फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर 16,133 रुपये, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का लोन, 10 लाख का लोन है, लोन अमाउंट जो है, दस लाख है, ₹10 लाख। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो RBI की गाइडलाइन है, बैंक जो है रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करवाएगा। मान लीजिए आज अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है और जो बोरोअर है उसे 60 लाख का लोन दे रहे हैं, कल को वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ हो जाती है, तो उसको ऑब्वियसली उसका लोन वैल्यू भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो उसको जो रेगुलर मंथली पेमेंट होती है, तो अगर सिक्योरिटी जो मॉर्गेज की वैल्यू बढ़ गई है, तो रेगुलर जो बैंक पे आउट कर रहा है बंदे को, सीनियर सिटीजन को, वो भी बढ़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर 10 लाख का लोन है, इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है
ये मान लीजिए 15% है, 15% पर एनम, और ये बंदे ने 120 पेमेंट्स करनी है, 120 मंथली पेमेंट्स होगी बैंक की तरफ से, तो इसको रेगुलर जो है 16,133 रुपए 50 पैसे की जो है हर महीने इसके अकाउंट में आएंगे। सो ये बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार द्वारा ये चलाई गई है, तो इसके बारे में यही था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, अगर आप ये बटन दबाएंगे तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगा। लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इसमें दिक्कत आ रही है, परेशानी, आपको समझ में नहीं आया ये किस तरह का लोन है, इसमें क्या चल रहा है, तो कॉमेंट कीजिए। कॉमेंट करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है या हमारे कोई फैक्ट्स में हम गलत जा रहे हैं। आरबीआई का जो लिंक है वो मैं साथ में दे रहा हूँ, आरबीआई की साइट का, जहाँ पे रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में बेसिक्स बताए गए हैं। मैं अपने एक आर्टिकल मैंने लिखा bankexamstudy.com पे, मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, और ये जो आरडीबीआई का लोन डॉक्यूमेंट है ये भी मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ों को आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये लाल वाला बटन दबाइए। Thank you. Have a nice day.